हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं हम लोग यहां पर विप्रो एंड टीसीएस के हायरिंग को लेकर। यहां पर हम लोग बात करेंगे वॉक इन ड्राइव लेकर, और यहां पर आपका फ्रेंड जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 30 जनवरी से 8 फरवरी तक चलने वाला है विप्रो एंड टीसीएस के वॉक इन ड्राइव। डिफरेंट लोकेशन आपको मिलने वाले हैं, मल्टीपल डेवलपर रोल मिलने वाले हैं, सैलरी आपका 3.5 से 6.5 वेरी करने वाला है डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन विच यू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई एंड लाइक आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका जो है उस इंटरव्यू प्रोसेस में क्या रहता है आपका लाइक प्रोसेस में, ठीक है। तो भी डिपेंड करता है, वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहना। और जो है यहाँ पर मैं लिंक अवेलेबल करा दूंगा। विप्रो जो है यहाँ पर 3 वॉक इन ड्राइव कर रही है, कोलकाता लोकेशन और अभी अलग अलग लोकेशन, और टीसीएस यहाँ पर 1 वॉक इन ड्राइव कर रही है। चलिए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी फर्दर डिले के। तो फिर यहाँ पर आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, फ्रेशर्स वॉक इन इंटरव्यू एट बैंगलोर फॉर सीएससी पोजीशन, सैलरी 2.5 to 2.75 डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। आपका यहाँ पर सैलरी हाई भी देखने को मिल जाता है। लोकेशन होने वाला बैंगलोर का 3 दिन पहले जो पब्लिश किया गया है। और यहाँ पर आपका जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है, कस्टमर हैंडलिंग, कंप्यूटर सेवी, इंटरपर्सनल स्किल्स, और यहाँ पर आपका जो है नंबर ऑफरिंग चेकआउट कर सकते हो। और फिर दिस इज नॉट अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट, हैंड सब्जेक्ट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, नीड टू बी अप्लाई एग्जाम BTech, MTech, MCA candidates need not to apply. और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, BA, BBA, BCom, BSc, BCA, MBA with minimum 50% and above. मतलब जैसे कि आपको मेरे स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा स्टार्टिंग में कि नो परसेंटेज क्राइटेरिया, यस देर इज नो परसेंटेज क्राइटेरिया, 50% और अबव अगर आपका है तो आप लोग अप्लाई करने के एलिजिबल हो। फ्रॉम द 2019 to 2022 पास आउट बैचेस आर एलिजिबल टू अप्लाई। काफी अच्छी रोल है, चेकआउट करना। और यहाँ पर आपको क्या क्या कैरी करने पड़ेंगे मेंशन किया गया, कब से कब तक होने वाला वॉक इन शेड्यूल, 30 जनवरी से 3 फरवरी, देन 6 फरवरी to 8 फरवरी। टाइमिंग क्या है, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। ओके, वेन्यू वगैरह, वेन्यू 1 बैंगलोर लोकेशन, वेन्यू 2 बैंगलोर लोकेशन मेंशन किया गया है, चेकआउट कर लेना। इंटरेस्टेड अप्लाई करने तो जरूर अप्लाई करना। सेकेंड आपका है 3 रोल के लिए कोलकाता के लिए। पहला आपका है वॉइस प्रोसेस कोलकाता एचआर अर्चिता के लिए एक तरफ से, दूसरी है विप्रो वॉक इन ड्राइव फॉर फ्रेश नॉन वॉइस 31 जनवरी के लिए कल के दिन, और थर्ड है आपका विप्रो हायरिंग फ्रेश नॉन वॉइस प्रोसेस बैंगलोर डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू। तीनों ही काफी अच्छी वॉक इन ड्राइव होने वाली है। और यहाँ पर आपका मेंशन भी किया गया है एचआर का ईमेल एड्रेस, चेकआउट कर लेना। और यहाँ पर आपका फ्रेशर्स कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, कैंडिडेट हु आर इन 12th ग्रेजुएट एंड पोस्ट कैन अप्लाई, नॉट एमबीए, एलएलबी, बी फार्मा नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। बाकी बता दिया गया, वर्क ऑफिस होने वाला है 5 वर्किंग एंड 2 रोटेशनल वीक ऑफ, एंड आपका फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए, 30 किलोमीटर फ्रॉम विप्रो कोलकाता आपका लोकेशन पड़ने वाला है। काफी कुछ मेंशन किया गया है, देखिए फिर एचआर अर्चिता का मैम का ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया गया है। ये आपका पहला रोल हो गया। सेकेंड आपका रोल है, फिर यहाँ देख सकते हो ये आपका वॉक इन टाइम होने वाला है नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए। टाइमिंग 9:30 to 1 PM, रिक्वायर्ड स्किल आपका होने वाला है बेसिक नॉलेज, 31 जनवरी को होने वाला है। इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, बंगाली, गुजराती, असम, मलयालम, तमिल, कनाडा, मराठी, अरबिक, ये आपका नॉलेज वगैरह होना चाहिए। काफी अच्छी रोल है, चेकआउट करना इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए। तो ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एचआर का नाम लिखा गया है, रिज्यूमे वगैरह सब कुछ मेंशन किया गया, क्या प्रोसेस नहीं है। थर्ड है आपका वॉक इन टाइम नॉन वॉइस प्रोसेस डायरेक्ट इंटरव्यू, इसके लिए फिर जो है बीबीए, बीकॉम, बीबीए, बीए के लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। काफी अच्छी रिक्रूटमेंट है, ओनली ग्रेजुएट, नो एक्सपीरियंस कैंडिडेट, नो बीबीटेक कैंडिडेट, नो पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत कैपेसिटी आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको लोग देख सकते हो एनी ग्रेजुएट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, सभी कॉलेज अवेलेबल रहेगा, अप्लाई करना, काफी अच्छी रोल है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।